हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडियन ओवरसीज़ बैंक की, जो बहुत ही अच्छा बैंक है। ये बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करता है। ये इसमें इंडियन गवर्नमेंट के सबसे ज़्यादा स्टेक है और ये अभी बहुत ही अच्छे लेवल पे चल रहा है। इसका पिछला वीडियो मैंने 3 महीने पहले अपलोड किया था, तब ये 41 रुपीज़ के पास था। तो भी मैंने कहा था आपसे इन्वेस्ट करके चलिए। उसके बाद इसने हाई लगाया 83 के पास, तो ऑलमोस्ट आपका पैसा डबल से ही ज़्यादा कर दिया है इसने 3 महीने के अंदर ही। तो आप अभी भी इस पर इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट के स्टेक है और अपने आप को बहुत ही अच्छा ये ग्रो कर रहा है और फ्यूचर में ये मल्टी बैगर बन सकता है। इसमें गवर्नमेंट के 96% से भी ज़्यादा स्टेक हैं, तो आप इससे इसकी मजबूती समझ सकते हैं। और इस समय गवर्नमेंट की भी आप मजबूती देख रहे हैं, जब से मोदी सरकार आई है आप देख रहे हैं बहुत ही ग्रो कर रही है इंडियन मार्केट और स्टॉक मार्केट भी। बात करते हैं इसके ऑल टाइम हाई लो की, देख सकते हैं आप 20 रुपीज़ इसका ऑल टाइम लो है और हाई है 83 रुपीज़ का। और ऑल टाइम लो देखिए 6 रुपीज़ का है और हाई है 227 का। तो आप समझ सकते हैं इसका ऑल टाइम लो 20 रुपीज़ का है और जिसने 20 रुपीज़ पे लिया होगा तो उसका पैसा लगभग 4 गुना हो गया है 83 रुपीज़ तक आते आते। तो इस वजह से फ्रेंड्स मैं हमेशा बोलता हूँ आप जब भी लीजिए लो प्राइस पे लीजिए और हमेशा अपने पैसे को थोड़ा सेव करके रखिए। जल्दबाजी में उसको हड़बड़ाहट में कभी भी मत लगाइए। जब आप देखिए अच्छे स्टॉक इस तरह के लो प्राइस पे चल रहे हैं तभी आप लीजिए। देख सकते हैं फेस वैल्यू 10 की है और इसका मार्केट कैप देखिए 1,22,865 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और इसकी फेस वैल्यू देख सकते हैं 10 की है और करंट प्राइस देखिए 65 का दिखा रहा है। और स्टॉक भी देखिए 49 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू देखिए 13 का है। तो बहुत अच्छा इसका मार्केट कैप है, अभी डिविडेंड ये नहीं दे रही है कंपनी। और पिछला वीडियो ही मैंने जब बनाया था तब भी ये 40 रुपीज़ के पास था, तो भी मुझको श्योर था कि वो भी और ऊपर जा सकता है। मैंने कहा था आपसे लेके चलिए, तब ये 83 के पास फिर तक गया है। और इसकी देख सकते हैं आप स्ट्रेंथ देखिए, इसकी स्ट्रेंथ है इसकी 14 स्ट्रेंथ है और वीकनेस केवल 3 है। तो स्ट्रेंथ आप देख लीजिए 14 का है, तब भी आप समझ सकते हैं कि बहुत मजबूत है। अभी इसके सारे स्ट्रेंथ बहुत अच्छे हैं और 56% पास है अपने सभी पैरामीटर्स पे। तो अभी भी आप इस पे इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, पर जब भी इसका प्राइस लो देखिए तब लीजिए और एक साथ मत लीजिए। इसकी प्रोज और कॉन्स भी देखिए। प्रोज इसके थोड़े कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 18% से ये जी आर ओवर लास्ट 5 ईयर, तो ये अच्छा है। कॉन्स भी थोड़े हैं इसके, क्योंकि अभी ये ग्रो कर रही है अपने आप को। स्टॉक इज ट्रेडिंग 4.86 टाइम इट्स बुक वैल्यू। ये ज़्यादातर कंपनियों में आपको ऐसे ही इसके बुक वैल्यू के हिसाब से दिखाते हैं इसके प्राइस जो इंक्रीज रहते हैं। पीयर कंपैरिजन में देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का देखिए, फिर पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, IOB जो यही बैंक है, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, यूको बैंक, ये सब इसके कंपैरिजन वाले बैंक हैं जो कि सभी गवर्नमेंट हैं। इसमें बैलेंस शीट देखिए ईयरली बेसिस पे इक्विटी कैपिटल इसका 16,437 करोड़ था मार्च 21 में, जो बढ़ के 18,902 करोड़ हो गया मार्च 23 में। रिजर्व देखिए बहुत ही शानदार इंक्रीज़ हुए हैं इसके। और टोटल एसेट्स भी देखिए बहुत अच्छी ग्रो हुई है, 313,746 रुपये की हो गई है, जो कि पिछले ईयर हर ईयर में इसने अपने आप को ग्रोथ किया है। वह रेवेन्यू देखिए 6,966 करोड़ का है मार्च 2021 में, फिर 22 में 16,730 करोड़ का हुआ, जो बढ़ के 22,616 करोड़ का हो गया है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख सकते हैं 840 रुपये से बढ़ के 3,105 रुपये का शानदार इसने ग्रोथ दिखाया है अपने प्रॉफिट में भी। रेवेन्यू देखिए मार्च 2023 में जो 5,192 करोड़ था, दिसंबर में आते आते 6,176 करोड़ का इसने बहुत ही अच्छा ग्रो किया अपने आप को। और इसने टैक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी सब काटते हुए देखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर देखिए 650 करोड़ से बढ़ के 723 करोड़ का बहुत ही अच्छा इसने ग्रो किया है, जो 625 करोड़ था, फिर 500 करोड़ और लास्ट में 723 करोड़ का इसने बहुत ही अच्छा अपना रेवेन्यू जनरेट किया। और ईयर बेस पे आप देख सकते हैं इसका चार्ट में देखिए 28 मार्च को 21 रुपए का है और जो बढ़ के 80 रुपए का हो गया, तो जिसने अगर यहाँ लिया है तो उसका पैसा लगभग 4 गुना हो गया। इसीलिए फ्रेंड्स मैं हमेशा कहता हूँ आप जब भी लो रहे प्राइस तभी लीजिए। अगर जिसने 20 रुपीज़ पे लिया होगा तो बहुत ही अच्छा उसका पैसा ग्रो हुआ होगा, 80 रुपीज़ तक गया है। मार्च 2022 में देखिए 19,108 करोड़ था, जो कि
2023 में 18,000 करोड़ हो गया है, और इसका डिपॉजिट भी देखिए 2,62,000 करोड़ जो कि था, तो फिर 2,60,973 करोड़ हो गया है। क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हैं आप, सितंबर 2023 में 5,824 करोड़ था, जो कि फिर दिसंबर में हो गया है 6,179 करोड़ के पास, तो बहुत ही अच्छी इसने इंक्रीज़ किया। नेट प्रॉफिट देखिए, जो कि पिछले क्वार्टर में 627 करोड़ था, जो बढ़ के 724 करोड़ का हो गया है। अब देखिए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख सकते हैं आप, ये ब्लू कलर में पूरा, ये लगभग इसने गोला पूरा भरा हुआ है इसका ब्लू कलर में। शानदार इसके 96.38% अराउंड गवर्नमेंट का स्टेक है इस बैंक के ऊपर, आप इसी से इसकी मजबूती देख सकते हैं। इसने लगातार ये गवर्नमेंट ने इसको सेम रखा है, जून 2023 में भी देख सकते हैं आप, सितंबर 2023 में देखिए और दिसंबर में भी 96.38 के पास है, और पब्लिक के पास केवल 2.28 है, तो मार्केट में है ही नहीं ये शेयर, केवल ये प्रमोटर के पास है यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है 96% का। और इसका एनुअल बेसिस पे भी आप ग्रोथ देखिए, चार्ट बेसिस पे देख सकते हैं, 2021 में, 22 में और 23 में 16,975 करोड़ था, फिर 16,735 करोड़ हुआ, जो बढ़ के 19,406 करोड़ का हो गया है 2023 में, तो लगातार ये इंक्रीज़ कर रहा है अपने आप को। अब इसका रिटर्न भी देख सकते हैं हम, बहुत ही शानदार इसका रिटर्न है, देखिए 1 मंथ में ही इसने आपके पैसे को लगभग 50% कर दिया है, और 3 मंथ में 57%, 6 मंथ में देखिए 112%, 6 महीने में ही इसने आपका पैसा फ्रेंड्स दुगना कर दिया, दुगने से ही ज़्यादा, और 1 ईयर में देखिए 144%, 2 ईयर में 2 गुना से भी ज़्यादा 220%, 3 ईयर में देखिए करीब 4 गुना, 5 ईयर में 437%। देख सकते हैं फ्रेंड्स, सारा खेल अच्छे समय पे लेने का है, जब इसका प्राइस लो रहे तभी लीजिए, और क्या शानदार इसने रिटर्न दिए हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर फॉलो करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा प्लीज़। थैंक यू।